आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3D लॉज ऑफ मोशन से, चैप्टर 3 है क्लास 9 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द यूजफुलनेस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यूजफुलनेस देखते हैं। अ गन रिकॉयल्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। गन क्या करेगी? रिकॉयल करेगी जब बुलेट को फायर किया जाएगा उसके अंदर से। अ मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे चलना कैसे इजीली पॉसिबल होता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स से। हम एक्शन लगाते हैं अपने पैरों से जमीन पे और फ्लोर भी क्या करता है, हमको पुश करता है, जो कि रिएक्शन फोर्स है। ऐसे ही रोइंग अ बोट, जब बोट को रो किया जाता है तो पुश किया जाता है वाटर को ओर से पीछे की तरफ, और वाटर बोट को बदले में आगे की तरफ पुश करती है। अ पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्विमिंग। स्विमिंग में करता क्या है? वो हाथों से पानी को पीछे ढकेलता है और पानी पर्सन को आगे की तरफ मूव कराती है। रॉकेट प्रोपल्शन, यानी कि रॉकेट का आगे की तरफ जाना। तो ये जो रॉकेट है, प्रोपल्शन का मतलब होता है फोर्स जो कि पुश करती है या फिर ड्राइव करती है किसी व्हीकल को। तो रॉकेट का ये जो मूवमेंट है वो भी समझ में आता है एक्शन और रिएक्शन फोर्स की वजह से है कि बर्न आउट गैसेस उसके नोजल से निकलते हैं स्पीडीली और जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया है, और इट इज यूजफुल फॉर रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट को ड्राइव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यही अभी यूजफुलनेस में हम लोगों ने देखा। तो रॉकेट को जब ड्राइव किया जाता है तो कैसे? उसके नोजल से जितनी स्पीड में वो गैसेस निकलती हैं उतना ही स्पीड से रॉकेट भी ऊपर की तरफ मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बाय गिविंग टू एग्जांपल। लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन बताना है आपको दो एग्जांपल के साथ। स्टेटमेंट पहले देख लो, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ये जो एक्शन और रिएक्शन है ना, हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगता है, बट दे ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली यानी एक ही टाइम पे लगते हैं, ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दो डिफरेंट बॉडीज में एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल ईच अदर। देखो ये भी मायने रखने वाली बात है, दो अपोजिट फोर्सेज आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेकिन कब? जब एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तब। यहां टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। पहला एग्जाम्पल कंसिडर करो कि अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। तो अगर कोई टेबल है, टेबल के ऊपर अगर यहाँ किताब रखी हुई है, तो ये किताब नीचे की तरफ नहीं जा रही है, जबकि इसका वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रहा है, ये एक्शन है। तो नीचे नहीं जा रही है क्योंकि इसको कौन बैलेंस किया हुआ है? एक अपवर्ड फोर्स है जो टेबल लगा रहा है, किसके ऊपर? इस किताब के ऊपर। तो ये रिएक्शन फोर्स है ना। देन बुक डज नॉट फॉल, बुक फॉल नहीं करती, दैट मींस टेबल इज एक्सल्टिंग। टेबल क्या कर रहा है? इक्वल फोर्स एक्सल्ट कर रहा है किताब के ऊपर, लेकिन कहां? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि रिएक्शन है। द सेक्शन रिएक्शन जो है इक्वल और अपोजिट होते हैं। When we swim in water, जब हम पानी में तैरते हैं, we push the water backward, जो कि action है। पानी को क्या करते हैं? पीछे की तरफ धकेलते हैं। And water in turn exert equal force on us, but in opposite direction। लेकिन पानी क्या करता है? उसके बदले में एक equal force के साथ हम लोगों को आगे की तरफ धकेलता है, यानी हम पीछे को धकेल लेते पानी, पानी हमें आगे की तरफ push कर रहा है forward, जो कि reaction है। देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक तो मैन है, एक तो वॉटर है। इस एग्जाम्पल में जैसे इससे पहले वाले में टेबल था और बुक था, एंड टू फोर्सेज, और यहाँ पे दो फोर्सेज हैं। तो ये दो इक्वल फोर्सेज जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं दो डिफरेंट बॉडीज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम एंड स्टेट द एक्शन एंड रिएक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। अब बारी बारी से केस देखना है आपको और ये बताना है कि एक्शन और रिएक्शन। सबसे पहला है फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। तो जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं
तो जो फोर्स बुलेट के ऊपर लगता है और बुलेट फॉरवर्ड मूव कर रही है, दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन। और जो फोर्स ये जो बुलेट मूव करते हुए इसके ऊपर लगाती है, जिसकी वजह से गन रिकॉयल होता है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क करता है, वो होता है आपका रिएक्शन फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है आपका हैमरिंग अनेल। हैमरिंग अनेल में भी ये जो हथौड़ा इस नेल के ऊपर गिर रहा है, तो ये जो फोर्स लगाएगा डायरेक्टली डाउनवर्ड इसके ऊपर, ये आपका फोर्स ऑफ एक्शन होगा। और ये नेल जो हथौड़े के ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट विल बी फोर्स ऑफ रिएक्शन। इसके बाद थर्ड है कि आप बुक लाइंग ऑन टेबल, तो बुक अपने वेट से जो डाउनवर्ड एक्शन लगा रहा है, दैट इज ऑनली एक्शन फोर्स। और रिएक्शन कौन सा है, जो टेबल इस बुक के ऊपर लगा रहा है, दैट इज आपका रिएक्शन फोर्स। तीसरा है आपका, सॉरी फोर्थ है, और मूविंग रॉकेट। मूविंग रॉकेट में ये जो गैसेस नोजल से बिल्कुल स्पीडीली बर्न होते हुए निकल रहे हैं, ये आपका एक्शन है। और इसकी वजह से ये जो रॉकेट पुश हो रहा है ऊपर की तरफ, ये आपका रिएक्शन फोर्स। अ पर्सन मूविंग ऑन द फ्लोर, तो इसमें जो फुट है वो क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ग्राउंड को, ये एक्शन है। और फ्लोर या फिर कह सकते हो ग्राउंड पुश कर रहा है पैर को, दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये लाइन मिसिंग थे। तो फ्लोर भी क्या करता है, पुश करता है फुट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि रिएक्शन है। इसके बाद अ मूविंग ट्रेन कोलाइडिंग विथ स्टेशनरी ट्रेन, जब ये टकराव होगा तो दोनों ही मूव करेंगे कोलाइजन के बाद। तो जो फोर्स एग्जर्ट होगा ना स्टेशनरी ट्रेन पे, किसके द्वारा, इस मूविंग ट्रेन से, ये स्टेशनरी है, ठीक, ये स्टेशनरी, ये मूविंग ट्रेन, तो मूविंग ट्रेन जो स्टेशनरी पे लगाएगी फोर्स, दैट विल बी एक्शन। और इसकी वजह से जो इसके ऊपर यानी मूविंग ट्रेन पे जो फोर्स लगेगा, वो होगा आपका रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ए रॉकेट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, हॉट गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय फास्ट बर्निंग फ्यूल रश आउट ऑफ अ जेट एट द बॉटम ऑफ द रॉकेट एट वेरी हाई स्पीड इज द एक्शन। क्या होता है, फ्यूल जो बर्न हो रहा होता है, तो काफी स्पीड के साथ जो रॉकेट है ना, उसके नोजल से नीचे की तरफ से क्या होते हैं, गैसेस बाहर की तरफ निकलते हैं। और ये क्या है, आपका एक्शन है। एंड एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज एग्जॉल्टेड ऑन द रॉकेट। और इन फ्यूल्स के निकलने की वजह से, फ्यूल्स के बर्न होते हुए जो गैसेस निकलते हैं, उन गैसेस की वजह से क्या होता है कि इक्वल फोर्स एग्जर्ट होता है रॉकेट के ऊपर, और रॉकेट जो है ऊपर की तरफ अपवर्ड पुश होता है उसी ग्रेट स्पीड के साथ, और ये हमारा रिएक्शन फोर्स है। इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपका बलून वाला, रॉकेट को समझने के लिए। बलून में हवा भर दो, हवा भरने के बाद उसके मुंह को बंद नहीं करो, ऐसे ही छोड़ दो, फिर देखो गैसेस जब निकलती है तो बलून कैसे ऊपर की तरफ जाती है। नेक्स्ट है, व्हेन अ शॉट इज फायर्ड फ्रॉम द गन गेट्स रिक्वायर्ड, इसको एक्सप्लेन करना है। तो व्हेन शॉट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब गोली चलाते हो आप, फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्शन। तो जो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, एक्शन है बुलेट के ऊपर। एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन गन, गन के ऊपर भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती है, जो कि आपका रिएक्शन फोर्स है, जिसकी वजह से गन रिकॉयल करता है या कह सकते हो कि पीछे की तरफ जर्क करता है। व्हेन यू स्टेप अशोर फ्रॉम अ स्टेशनरी बोट इट टेंड्स टू लीव द शोर, एक्सप्लेन। जब आप बोट से देख रहे हो कदम रखते हो जमीन की तरफ, तो वो जो है कि किनारे को छोड़ के पीछे की तरफ क्यों जाती है। व्हेन यू स्टेप अशोर, जब आप इधर लैंड कर रहे हो जमीन पे आ रहे हो बोट से उतर के, यू पुश द बोट विथ फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आप पीछे की तरफ बोट को धक्का देते हो अपने पैरों से। द बोट एक्सर्ट एंड इक्वल फोर्स ऑन यू, तो बोट भी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती है, आपको धक्का देती है उतने ही फोर्स के साथ, जिससे आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना आसान हो जाता है, जो कि फोर्स ऑफ रिएक्शन है। और ये आपको मदद करता है फॉरवर्ड मूव करने में, यानी कि जमीन पे उतरने में। When two spring balances joined at their free ends are pulled apart, both show the same reading. अब यहाँ पे दो, यहाँ पे एक ऐसे आपका है,
और दूसरा वाला इस तरीके से है। तो ये दो हैं सेम है, ये ज्यादा लंबा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका स्प्रिंग बैलेंस वन है, स्प्रिंग बैलेंस टू है। तो जब इसको पुल किया जा रहा है ए पार्ट एक दूसरे से, हो क्या रहा है, दोनों में सेम रीडिंग है। दोनों में कैसी रीडिंग है, सेम रीडिंग है। इसको एक्सप्लेन करना है ना, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, दोनों में सेम रीडिंग आ रही है। वेन टू स्प्रिंग बैलेंस इज ज्वाइंट एट देयर फ्री एंड, जब फ्री एंड पे आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और आप इनको खींच रहे हैं दोनों को, है ना, दो तरफ अपार्ट, बोथ शो द सेम रीडिंग। क्यों दिखाती है सेम रीडिंग, इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से द पुल ऑन वन स्प्रिंग बाय द अदर स्प्रिंग इज द एक्शन एंड पुल ऑन द सेकेंड स्प्रिंग ड्यू टू द फर्स्ट इज द रिएक्शन। तो पहला स्प्रिंग जो दूसरे के ऊपर लगा रहा है ये एक्शन फोर्स है, और दूसरा वाला पहले के ऊपर जो पुल लगा रहा है ये आपका रिएक्शन फोर्स है। और दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, और दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, और यहां एक्ट कर रहे हैं स्प्रिंग वन और स्प्रिंग टू पे, इसीलिए दो के दोनों स्प्रिंग्स क्या दिखा रहे हैं आपको, सेम रीडिंग दिखा रहे हैं। टू मूव अ बोट अहेड इन वाटर, बोटमैन हैज टू पुश द वाटर बैकवर्ड बाय हिज ओर। ओर क्या होता है, ऐसे रहता है ना नाव चलाने के लिए, इस तरह का। तो टू मूव अ बोट अहेड इन वाटर, अगर आपको बोट आगे मूव करानी है पानी में, तो बोटमैन क्या करता है, पुश करता है किसको, वाटर को। किसको पुश करेगा, वाटर को, पीछे की तरफ पुश करता है बैकवर्ड बाय हिज ओर, यही है आपका ओर, इससे। सो दैट वाटर एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द बोट। और ये क्या कर रहा है, पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जो पुश कर रहा है ये एक्शन है, और पानी क्या कर रही है, पानी नाव को आगे की तरफ पुश कर रही है, ये आपका रिएक्शन फोर्स है, ड्यू टू विच बोट मूव्स अहेड। तो क्या होता है, बोट जिसकी वजह से आगे की तरफ बढ़ता है। अ पर्सन पुशिंग अ वॉल हार्ड इज लायबल टू फेल अ फॉल बैक गिव रीजन। कोई व्यक्ति अगर दीवार को धक्का लगा रहा है तो संभव है कि वो गिर जाएगा पीछे की तरफ, रीजन दो। अ पर्सन पुशिंग अ वॉल हार्ड इज लायबल टू फॉल बैक बिकॉज वेन ही पुशेस, जब वो पुश करता है वॉल को, यानी जब वो एक्शन दे रहा है वॉल पे, ये फोर्स ऑफ एक्शन, तो वॉल एक्सर्ट एंड इक्वल फोर्स, तो वॉल क्या करता है, उस इंसान पे भी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है, जो कि फोर्स ऑफ रिएक्शन है ना, उसके मसल्स में स्ट्रेच आते हैं उसकी वजह से, तो ऑन हिम ड्यू टू विच ही मे फॉल बैक, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ गिर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम में दोनों एक्ट करते हैं, एक्शन और रिएक्शन, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ भैया ट्रू है। यस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर। हाँ ये सही बात है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं दो अलग अलग बॉडीज पे, और इक्वल मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में, और हमेशा ये कैसे रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं पेयर में, अकलौता नहीं। जबकि तुमने देखा है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करें तो होता क्या है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन वहां एक सिंगल बॉडी पे दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं, यहां पे दो बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करने हैं, तो इसलिए यहां पे एक्शन और रिएक्शन है, वहां नहीं है। द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, जी जी बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल होते हैं, बट बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। अ लाइट बॉल फॉलिंग ऑन ग्राउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड राइजेज अपवर्ड, एक्सप्लेन द रीजन। एक हल्का बॉल है, उसको आपने ग्राउंड पे गिराया, फुटबॉल भी है यार, ग्राउंड पे गिराओ तो वो ऊपर की तरफ राइज होता है, ग्राउंड पे टच करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद। व्हाइल अ लाइट बॉल फॉल ऑन द ग्राउंड, जब गिरता है वो बॉल ग्राउंड पे, तो बॉल एक्सर्ट फोर्स ऑन द हैंड ऑफ ग्राउंड एंड द ग्राउंड एक्सर्ट एंड इक्वल फोर्स रिएक्शन ऑन द बॉल टू राइज इट अपवर्ड।
बॉल जब जमीन पे गिर रहा है तो कर क्या रहा है वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, जो कि एक्शन फोर्स है, किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर। और ग्राउंड क्या कर रहा है? इक्वल फोर्स के साथ उसको पुश कर रहा है, जो कि फोर्स ऑफ रिएक्शन है, जिसकी वजह से बॉल क्या करता है? ऊपर की तरफ राइज करता है। क्वेश्चन नंबर 14। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, द सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑन अ बॉडी इज जीरो। क्या कह रहा है? कमेंट करो कि जो सम है एक्शन और रिएक्शन का ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन और रिएक्शन कभी भी जो है सेम बॉडी पे नहीं एक्ट करते हैं। बताया था अभी आपको, सेम बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे तो वो एक्शन रिएक्शन नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो कैंसिल होके जीरो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे हमेशा एक्शन और रिएक्शन लगता है, दे एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला है न्यूटन का थर्ड लॉ, क्या डिफाइन करता है? फोर्स को क्वालिटेटिवली, या फोर्स को क्वांटिटेटिवली, या फिर वे द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, या फिर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे ये एक्सप्लेन करता है न्यूटन का थर्ड लॉ कि किस तरह से फोर्स एक्ट करता है एक बॉडी के ऊपर, एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द, एक्शन और रिएक्शन एक्ट करता है सेम बॉडी पे इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं। डिफरेंट बॉडीज पे इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ यही बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पे न्यूमेरिकल टाइप से है। अ बॉय पुशेस अ वॉल विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ। व्हाट फोर्स इज एग्जर्टेड बाय वॉल ऑन द बॉय? तो देखो, एज द बॉय पुशेस अ वॉल विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के फोर्स के साथ बॉय क्या कर रहा है? वॉल को पुश कर रहा है किधर? ईस्ट की तरफ, दिख रहा है इस डायरेक्शन में। सो द फोर्स एग्जर्टेड बाई वॉल ऑन द बॉय इज 10 न्यूटन टुवर्ड द वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, बॉय के ऊपर कितना लगेगा फोर्स? 10 न्यूटन का ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन द फिगर अ ब्लॉक ऑफ 15 न्यूटन इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय ए स्ट्रिंग। ब्लॉक है जिसका वेट है 15 न्यूटन, वो लटका हुआ यहां पे दिख रहा है तुमको रिजिड सपोर्ट से, स्ट्रिंग के द्वारा, एक धागे रस्सी के द्वारा। व्हाट फोर्स इज एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग? ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? इस धागे के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। और फिर स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, ये सब दोनों आपको बताना है। नेम देम एंड शो देम इन द डायग्राम। अब ये 15 न्यूटन के वेट का है, तो ये वेट जो है बॉक्स का हैवी है, तो ये क्या करेगा? ये एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, वो भी कितना? 15 न्यूटन का। और ये आपका एक्शन फोर्स है। वहीं क्या होगा? स्ट्रिंग भी स्ट्रेच की वजह से, स्ट्रिंग्स में क्या आएगा? स्ट्रेच आएगा, है ना। तो इस स्ट्रेच की वजह से ये भी क्या करेगा? एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, जिसको टेंशन फोर्स भी कहते हैं। तो ये अपवर्ड फोर्स कितना लगाएगा? इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाएगा, 15 न्यूटन का ही अपवर्ड डायरेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।